पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब राजनीतिक द्वेष में गिरफ्तारी को लेकर पीस पार्टी की मुरादाबाद इकाई के जिला अध्यक्ष नादिर अली मंसूरी की अध्यक्षता में मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब की रिहाई की मांग उठाई। साथ ही एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है उस समय से विपक्ष की आवाज़ दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जाता रहा है। उसी क्रम में विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक द्वेष में मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की लालसा में लोकतंत्र का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर उन पर उनके खिलाफ तत्कालीन राजनीतिक में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पीस पार्टी हमेशा मानवता, न्याय एवं शांति की हितेशी रही है। डॉक्टर अयूब की रिहाई को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो पीस पार्टी बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी। मैं नादिर अली मंसूरी, पीस पार्टी जिला अध्यक्ष मुरादाबाद से। किस मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, ज्ञापन देने का मकसद हमारा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश अंदर सरकार चल रही है जो बदले की भावना से काम कर रही है। किसी भी पार्टी का आदमी अगर सही बात उठाता है उसी आदमी को उठा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जेलों के अंदर डालने का काम कर रही है। पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब ने अपनी बात और सही बात अभी उठाई थी जिसमें आजम खान साहब के लिए और मुनव्वर साहब के लिए और डॉक्टर कफील खान के लिए रिहाई की बात की गई थी कि उनको रिहा किया जाए, वो बेगुनाह लोग हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर अयूब साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठवा करके पुलिस को भेज करके और ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब को लेकर के गई पुलिस और लखनऊ को ले जाकर जेल के अंदर डालने का काम किया है। जो बदले मामले से काम कर रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं और डॉक्टर अयूब साहब की रिहाई के लिए हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए।